जो हमारे सोलर पावर प्लांट होते हैं उसे जो है सिस्टम के आधार पे तीन भागों में जो है कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा है हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। बट जो है हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होते हैं, यह कैसे काम करता है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस सोलर सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, यह तभी काम करेगा जब आपके घरों का सप्लाई किसी न किसी पावर ग्रिड या ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो। कहने का मतलब, अगर जो है आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आ रही है तब जो है आप इस सिस्टम को नहीं लगवा सकते। यह सिस्टम जो है तभी फायदेमंद है जब आपके एरिया में या घरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लाइट रहती ही रहती हो। यह सिस्टम तभी लगाना चाहिए जब आपका जो है मेन मोटिव अपने घरों में बिजली बिल को कम करना हो। अब जो है हम लोग देखेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होते हैं। अगर जो है आपका कोई सोलर प्लांट किसी तरीके से आपके पावर ग्रिड से कनेक्ट में हो तो उसे हम लोग जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहेंगे। इसे हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम। अगर हम बात करें कि यह हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, जैसा कि हम जानते हैं सन की लाइट जब हमारे सोलर पैनल्स पे पड़ती है तो हमारा डीसी पावर जनरेट होती है और जो हमारे घरों में फैन, बल्ब या टीवी अप्लायंस जो लगे होते हैं वह हमारा क्या होता है, एसी पे काम करता है। तो हमें जो है एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे। इसके लिए जो हम लोग इन्वर्टर लगवाते हैं, तो इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो आपका इन्वर्टर यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड टाइड इन्वर्टर। इन्वर्टर से एसी पावर निकल के वो आपके स्विच बोर्ड पे जाएगी जहां पर आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे होंगे। आपके वहां पर एमसीबी या एमसीसी भी लगे हो सकते हैं। इसके बाद जो है आपका पावर डिवाइड हो जाता है, एक जो है आपके घरों के लोड की ओर जाता है और दूसरा आपको जो है नेट मीटर के रास्ते होते हुए आपके पावर ग्रिड्स की ओर जाता है। अब अगर हम बात करें कि यह नेट मीटर क्या होता है और यहाँ पर नेट मीटर जो है क्यों लगे होते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं उसका काम क्या होता है कि हमारे घरों के लोड के द्वारा जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है। तो जो हमारे नेट मीटर होते हैं वह दो काम करता है। पहला, जो हमारे घरों का कनेक्शन होता है वह किसी न किसी ग्रिड या आपके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते ही होते हैं, तो उस ग्रिड या ट्रांसफार्मर से हमारे घरों के लोड के द्वारा जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है। और दूसरा, साथ ही साथ जो हमारे सोलर पैनल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें से हम लोग जो है कितना पावर जो है हम ग्रिड को सप्लाई भेज रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखता है। इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और नेट मीटर को और अच्छे से समझने के लिए जो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपके घर में 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आपके घर का लोड जो है सपोज 5 किलोवाट है। इसमें जो आपका पहला कंडीशन क्या होगा, सपोज जो आपका 15 किलोवाट का सोलर प्लांट है वह दिन में सपोज पूरा का पूरा जो है 15 किलोवाट पावर जो है जनरेट कर रही है और सपोज उस टाइम भी आपके घर का लोड जो है 5 किलोवाट है। तो जब यह पावर प्लांट 15 किलोवाट पावर जनरेट करेगी तो उसमें से जो है आपका 5 किलोवाट पावर जो है आपके घर के लोड की ओर जाएगा और जो बचा 10 किलोवाट का पावर वह आपके नेट मीटर के थ्रू जो है ग्रिड्स को सप्लाई देगी। तो इस कंडीशन में जो है आपका, आपने जो पावर जनरेट किया उसमें से जो है कुछ हिस्सा यूटिलाइज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है ग्रिड को सप्लाई भी भेज रहे हैं। अब अगर सपोज मौसम अच्छा नहीं होने के कारण सूर्य से बहुत ही कम लाइट जो है हमारे सोलर पैनल्स तक जो है पहुंच रही है तो उस टाइम जो है आपके सोलर पैनल जो है कम पावर जनरेट करेगा। सपोज उस टाइम जो है 4 किलोवाट जो है पावर जनरेट हो रही है और आपके घर का लोड जो है 5 किलोवाट ही है, तो जो है हमारा 4 किलोवाट जो पावर जनरेट हो रही है वह आपके घर के लोड की ओर जाएगा। तो घर की जो 5 किलोवाट का लोड है उसे पूरा फुलफिल करने के लिए 1 किलोवाट पावर जो है ग्रिड से मिलेगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल जो बनेगा वह इस नेट मीटर की रिकॉर्ड या रीडिंग को देखते हुए जो है बनाई जाएगी कि आपने जो है इस मंथ कितना पावर जो है अपने ग्रिड को जो है सप्लाई किया है और आपने जो है ग्रिड के द्वारा कितना इस मंथ जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया है, इन सभी का जो है प्लस माइनस करके जो है आपका बिल बनेगा।
अब जो है हम लोग देखेंगे कि इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगवाने के क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें इसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें पहला है हमारा ह्यूज रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस सोलर सिस्टम को लगवाने से जो हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि इस पावर प्लांट के हेल्प से जो हम लोग पावर जनरेट करते हैं और साथ ही साथ जो है ग्रिड को सप्लाई भी करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि इजी मेंटेनेंस। जैसा कि हम जानते हैं इस ऑन ग्रिड सोलर प्लांट में जो है हमारा बैटरी यूज़ नहीं होता है, जिसके कारण से हमारा मेंटेनेंस जो है इजी हो जाता है और साथ ही साथ जो है ऑन ग्रिड सोलर प्लांट को लगवाने में कॉस्ट भी कम पड़ता है एज कम्पेयर टू ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर प्लांट से, क्योंकि इस सिस्टम में बैटरी यूज़ नहीं होता है, इस वजह से इसका कॉस्ट जो है कम पड़ जाता है। अब अगर हम बात करें इसके खामियां या डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो इसका जो सबसे बड़ा खामी जो है, जैसा कि हम जानते हैं ऑन ग्रिड सोलर प्लांट हमारे ग्रिड से कनेक्ट होते हैं। इन केस अगर आपके घरों का कनेक्शन किसी भी ट्रांसफार्मर या पावर ग्रिड से आ रही है, वह अगर ऑफ की कंडीशन में हो, कहने का मतलब उस टाइम आपके घर में ग्रिड से कोई भी पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा, चाहे आपके सोलर पैनल्स पर अच्छी मात्रा में सन की लाइट ही क्यों ना आ रही हो। तो ये था आपका इस सोलर प्लांट का सबसे बड़ा खामी। दूसरा खामी जो है इस सोलर प्लांट का यह है कि जैसा कि हम जानते हैं इस सोलर प्लांट में जो है आपका किसी तरीके का बैटरी जो है यूज़ नहीं होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर किसी तरीके का जो है बैकअप नहीं होता है। अगर जो है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।